बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर के 21 तारीख साल 2021 ईस्वी सन 1443 हिजरी 14 रबीउल अव्वल और दिन जुमेरात। आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं आपकी मेजबान रुफाइदा मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर पेश करती हूँ मुकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की सुर्खियों पर। वादी के तमाम लोग शहरी इलाकों की मजम्मत करते हैं गुलाम नबी आजाद। एक आध मारने वालों को पकड़ना जरूरी है ताकि इनका तरीका कार मालूम हो सके। पुलवामा में 10 नौजवान गिरफ्तार, पीएसए आई कोट बिलवाल जेल मुंतकिल। पूछ तसादुम 10वें रोज में दाखिल, गिरफ्तार अफराद से पूछताछ। जंगलों की तलाश के लिए ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया है। अमित शाह कश्मीर आमद, सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह लोगों की जामा तलाशी। हज 2022 नवंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल आने का इम्कान नकवी। 22 अक्टूबर की मीटिंग में हज 2022 का जायजा लिया जाएगा, सऊदी अरब से भी बात होगी। जनूबी कश्मीर में 4 जमजू हलाक, शुपियन में हुई झड़प में फौज का जवान भी मारा गया, मजीद 2 फौजी जख्मी। कुलगाम में मारे गए जंगजू वनपो 2 गैर मुकामी अफराद की हलाकत में मलूस थे। NIA की वादी में छापे जारी, मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तानी आबदोज को रोकने के पाकिस्तानी दावे पर भारतीय बहरिया का कुछ कहने से इनकार। राजनाथ सिंह ने MES के मंसूबों की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया। किसानों को 50,000 फी हेक्टर मुआवजा मिलेगा, केजरीवाल। हुकूमत आलमी सतह की सहूलियत के लिए पुरअजम, पवार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, 35-35 पैसे फी लीटर महंगा। 23 से 25 अक्टूबर तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। कबल अज वक्त मौसम के खराब के पेश नजर महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से एडवाइजरी जारी। 2020 के अवाइल में कोरोना के आगाज से अब तक कोरोना का कहर एशिया भर में, कोरोना से 80 करोड़ से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासर। निजी स्कूलों के तालबा के सालाना इम्तिहान को फीस की अदायगी से मशरूत, 100% फीस अदा न करने पर बच्चों के इम्तिहानी पर्चों को रोकने की धमकी। फारूक खान का मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा, प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की तौकीन। कुरान पाक की बेहुरमती, बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। इसराइली फौज की ईद मिलादुन्नबी पर फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई, मुतादाद जख्मी। इसराइल 4,000 फलस्तीनियों के मुकामी आबादी के तौर पर अंदराज पर आमादा। वादों पर अमल दरामद तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, लावरूफ। शाम दमशक में फौजी बस में 2 धमाके, 14 अफराद हलाक, 3 जख्मी। यम के तनाजे में अब तक 10,000 से जायद बच्चे हलाक या अपाहिज हो चुके हैं, यूनिसेफ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी, रोहित शर्मा की शानदार लेफ्ट सेंचुरी। भारत ने 152 रन का चैलेंजिंग स्कोर 17.5 ओवर्स में हासिल किया। MCC की ताहयात रुकनियत मिलना एक बड़ा एजाज है, हरभजन सिंह। कारकर्दगी बेहतर न हुई तो वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलूंगा, एन मॉर्गन। इसी के साथ आज की सुर्खियां इख्तिताम पजीर होती है, दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।